हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का। आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 एकाकी व्यापार यानी कि सोल ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एकाकी व्यापार के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो एकाकी व्यापार यह व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना और सरल स्वरूप है। जब से विनिमय प्रारंभ हुआ है तब से एकाकी व्यापार अस्तित्व में है। यद्यपि मानव की आवश्यकताओं व व्यावसायिक परिवर्तनों के कारण एकाकी व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, लेकिन एकाकी व्यापार अपने गुणों व विशेषताओं के कारण आधुनिक युग में भी सबसे श्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। एकाकी व्यापार को एकल स्वामित्व के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको एकाकी व्यापार का अर्थ बताने जा रहे हैं। तो एकल स्वामित्व दो शब्दों से जोड़कर बना है, एकल तथा स्वामित्व। यहाँ एकल का तात्पर्य एक व्यक्ति तथा स्वामित्व का तात्पर्य स्वामी से है। अर्थात एकल स्वामित्व का अर्थ व्यावसायिक संगठन के उस स्वरूप से है जिसे एक ही व्यक्ति संगठित करता है, स्वयं ही पूंजी लगाता है, स्वयं ही संचालन व प्रबंध करता है और स्वयं ही उसके लाभ हानि का अधिकारी भी होता है। ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापारी, एकल स्वामी, व्यक्तिगत साहसी और व्यक्तिगत व्यवस्थापक तथा व्यक्तिगत स्वामी आदि के अनेक नामों द्वारा बुलाया जाता है तथा इसके द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं। तो ये तो था आपका एकाकी व्यापार का अर्थ। अब हम आपको एकाकी व्यापार की परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो एकाकी व्यापार की कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं जो विद्वानों ने द्वारा दी गई हैं। तो पहले विद्वान हैं चार्ल्स डब्लू गर्स्टर्नबर्ग। तो इनके अनुसार है, एकाकी व्यापार वह व्यापार है जिसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है तथा वह स्वामी होने के साथ व्यापार का प्रबंधकर्ता और संचालक भी होता है। दूसरे प्रोफेसर हैं आपके एचएल हैने। इनके शब्दों में एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और जो उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का पूरा भार स्वयं ही उठाता है। एक तरीके से आप एकाकी व्यापार को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एकाकी स्वामित्व वाला संगठन वह रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है, एक ही व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय को चलाया जाता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि और कुशलता का प्रयोग होता है उसको चलाने में, और उस व्यवसाय में अगर लाभ होगा या फिर हानि होगी उस अकेले व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। तो ये आपका एकाकी व्यापार का अर्थ एवं परिभाषा